पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, यही घर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आखिरकार किसने सोचा होगा कि इन छोटी गलियों से निकलने वाला, यहाँ पर हंसने खेलने वाला जो बालक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो पहले से ही ऐसे ही है। अगर ये मेले में नवरात्रि का गरबा हुआ था ना, तो वो पहले ही सबको बोलते कि भाई तुम्हारे घर से इतना लेना है दे दो, और सब देते थे। ऐसे नेतागिरी तो पहले से ही होती है। हर माँ को ऐसा तो लगता ही है कि मेरा बेटा बाबा बन जाएगा, बरोबर। लेकिन उन्होंने माना कि जैसे जसोदा जी ने किया था कि कृष्ण को पहले से निकाल दो, बरोबर, देवकी जी ने किया, ऐसे ये राम है कौशल्या ने, जसोदा कौशल्या ने किया कि वो जंगल में चले गए तो महान बन गए। हम देख रहे हैं अभी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी आंखें भर आई हैं। वो आप जब बात कर रहे हैं तो वो मतलब भावुक हो गए हैं आप, तो इतना भावुकपन, मतलब क्या आपको याद आ रहा है? क्या हमको तो यही याद आ रहा है कि हमारा साथ वाला जो है वो कितना बड़ा हो गया। बस वो तो छोटा था, निकल गया था, बहुत बड़ी निकल गया था। वो तो हमने भी देखा था, हमने किया कि ब्रो लगन भी कर दिया था, वो इसकी बहरी की अबू है, तो क्या मेरे कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस एकला है, निकला जाना रहा है, मेरे कोई कुछ नहीं, मेरे सगा कोई नहीं। अभी तो आता रहे आवन है तो मेरे को मम्मी की बुलाता जो है। केम छो गुजरात, हम इस समय आ पहुंचे हैं वडनगर की उन गलियों में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता। आप देख सकते हैं कितनी संकरी ये गलियां हैं, कितनी छोटी ये गलियां हैं। और इस समय मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, यही घर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि बाद में इसे जो है बेच दिया गया, लेकिन इसी घर में उनका जो है बचपन बीता है। और आखिरकार किसने सोचा होगा कि इन छोटी गलियों से निकलने वाला, यहाँ पर हंसने खेलने वाला जो बालक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वडनगर, जो कि एक नगर 35 किलोमीटर दूर है महसाना ज़िला से, वहाँ पे इतना विकास कभी हो पाएगा। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं साथ में जिनका घर है, ये उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? बंसीलाल मोदी। ये मोदी जी का घर था पहले, अभी बाद में बेच दिया गया, तो आप मोदी जी के घर के साथ रहते हैं। आज पूरी दुनिया जो है मोदी मोदी कर रही है, उनकी लीडरशिप को जान रही है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? वो पहले से ही ऐसे ही है। अगर ये मेले में नवरात्रि का गरबा हुआ था ना, तो वो पहले ही सबको बोलते कि भाई तुम्हारे घर से इतना लेना है दे दो, और सब देते थे। ऐसे नेतागिरी तो पहले से ही होती है। अच्छा, तो आपने भी कभी देखा है उनको यहाँ इन गलियों में हंसते खेलते हुए? हंसते खेलते हुए क्या, हम दौरान 5 में थे, वो दौरान 9 में थे, एक ही स्कूल थी। आप एक ही स्कूल में पढ़ते थे? आप 5वीं कक्षा? बी एन आई स्कूल में। अच्छा, आप एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही साथ हंसते खेलते थे, तो अब कैसा देखते हैं आप जो आपके साथ हंसते खेलते थे, आज वो पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है? लोहा मान रही है, वो तो वो क्या है, वो बोलते हैं ना कि हर घंटी का आटा जिसने खाया है ना, वो बहुत होशियार होता है। ऐसा है उनकी ज़िंदगी में, वो आई थिंक 1971 से ये घर में से चले गए, फिर बाद में तो वो बाहर ही रहते हैं ना। हाँ, वो भी बताइए आपके, क्योंकि साथ में हंसते खेलते थे, जब वो यहाँ से निकल गए सन्यासी बनने की तरफ, तो उस समय उनकी माता जी क्या कहती थी आप लोगों से, या फिर कैसा यहाँ पे माहौल रहता था कि एक 20-21 वर्ष का युवा, वो अपने जब सब देखते हैं करियर बनाने की तरफ, वो यहाँ से चला गया हिमालयों में सन्यासी बनने की तरफ? बराबर है, वो हर माँ को ऐसा तो लगता ही है कि मेरा बेटा बाबा बन जाएगा, बराबर। लेकिन उन्होंने माना कि जैसे जसोदा जी ने किया था कि कृष्ण को पहले से निकाल दो, बरोबर, देवकी जी ने किया, ऐसे ये राम है कौशल्या ने, जसोदा कौशल्या ने किया कि वो जंगल में चले गए तो महान बन गए। हम देख रहे हैं अभी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी आंखें भर आई हैं। वो आप जब बात कर रहे हैं तो वो मतलब भावुक हो गए हैं आप, तो इतना भावुकपन, मतलब क्या आपको याद आ रहा है? क्या हमको तो यही याद आ रहा है कि हमारा साथ वाला जो है वो कितना बड़ा हो गया। बस
आपने उनके साथ रहे हैं, आज आपकी आंखों में हमें आंसू दिख रहा है, तो कैसा लगता है जब विपक्षी उन पे आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े आरोप उन पे लगाए जाते हैं, वो तंज कसा जाते हैं, कहते हैं कि ये देश बेच रहे हैं, उस समय आप उस पल को कैसे देखते हैं? नहीं, देश बेच रहे, ये क्या बात है, ऐसे 1973-74 में मोरारजी देसाई ने बोला था, वो नाना मंत्री थे उसी समय, तो उन्होंने बोला था कहीं से भी पैसे लाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, और कोई भी होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर से उधर लेके नहीं जाएगा, वो किराए पे देगा, ब्याज पे वसूल करेगा, लेकिन हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आवक में बदल देंगे, वो ही नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं। और भी बातें उनके लिए कही जाती है, यहीं पर वडनगर रेलवे स्टेशन में अपने पिताजी का वो हाथ बटाते थे चाय जो है वो सर्व करने में, तो उसको लेकर भी विपक्षी कहते हैं कि एक चाय वाले को क्यों प्रधानमंत्री बना दिया, किसी और ज़्यादा पढ़े लिखे को बनाना चाहिए था, उसको कैसे देख? वो सो क्या है, वो उनकी गट्स है, अभी करीब ये इधर से 30 से 35 साल से बाहर निकल गए, लेकिन ये रोड पर निकले ना हर इंसान को नाम से बुलाते हैं, अभी भी यानी कि याद करते हैं आप सब, अभी भी और कर मेरे बापूजी है ना, वो उनको मामू लगता है, बराबर, वो तो चल बस ही, लेकिन वो इधर से निकले ना वो बोलते थे क्या है मामा मजा में, बस ऐसी बात। हाल ही में क्योंकि गुजरात में अब चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सभी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं, इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जो आम आदमी पार्टी के नेता उसको शेयर करते हैं, वो एक एडिटेड वीडियो, उसमें दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी माँ से लगातार यहाँ मिलने आते हैं, तो उस वीडियो में ये दिखाया जाता है, एडिटेड वीडियो, गलत तरीके से प्रचार किया गया कि वो अपनी माँ के साथ खड़े हैं और उनको रोते हुए दिखाया गया कि मुझे केजरीवाल से डर लग रहा है, केजरीवाल मेरे अपने सपनों में आ रहा है, मैं देश बेच रहा हूँ, मेरे को उसका डर लग रहा है, इस तरह की चीज़ें जब राजनीति में उनकी 100 वर्षीय हीराबेन माँ को घसीटा जाता है तो क्या कहेंगे? विरोध पक्ष वाले हैं ना तो सब कुछ बोल रहे थे बराबर, लेकिन जो वो क्या जो हकीकत है वो तो रिजल्ट आएगी तभी मालूम होगा, अरे मेरी माँ है बराबर, वो अभी 93 की है, और उनको उन्होंने हीराबेन को और इनको बहुत ज़्यादा लगाव थे। जी आइए माता जी, नरेंद्र मोदी जी की माँ के साथ आपका काफ़ी लगाव था, आपके ज़रूर आपके पास भी पले बड़े होंगे, आपको भी माँ का दर्जा दिया होगा उन्होंने, कैसा लगता है आज जब आप ही के घर के साथ रहने वाला आपका ही बेटा आज पूरी दुनिया में लोहा मान रही है, पूरी दुनिया उनका अच्छा है, इसका काम अच्छा है, वो तो छोटा था निकल गया था, बाहर बड़ी निकल गया था, वो तो हमने भी देखा था, हमने किया कि ब्रो इसका लगन भी कर दिया था, वो इसकी बहरी की अबू है, तो क्या मेरे कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस एकला है निकला जाना रहा है, मेरे कोई कुछ नहीं, मेरे सगा कोई नहीं, ऐसा के घर चला गया था, इसका बाबू ऑफ ऑफ हो गया ना तो शमशान में से बारों बार निकल गया था, मेरे घर नहीं आना कि मेरे घर नहीं है कि बस ऐसा इसका विचार नहीं था, विचार इसका तो कहता जगत माँ हमारी कुम्मो नहीं है, दुनिया में इसके नाम लगाया है, बस आप बीजू तो सुख ही है, बस जब आपके पास आपके आंगन में खेलते थे पलते बढ़ते थे तो आपको तभी कुछ तेज दिखा था मोदी जी में कि आगे चल कर के पूरी दुनिया में इसका नाम होगा, ऐसा कुछ दिखता था उनके चेहरे पर? ना ये बात तो छोड़ो तो अच्छोज नहीं, तो छोड़ो नहीं, हमको हमको पार्टी का एक जरा भी ये नहीं करता कि मेरा नहीं आना नहीं जाना तुम क्या करोगे, ऐसा वैसा कोई बोलना नहीं इसको, बस आज का मोमा मैं मम्मी हूँ तो अच्छा कैसे तुम सुख शांति हो ना, बस मैं चला जाऊँगा, मेरे कुछ नहीं गया घर बार मेरा कुछ नहीं, ऐसा कहता था इतना बहुत शांति। अभी 5 साल पहले भी वो आए थे, वो लगातार यहाँ बीच में आते रहते हैं, आके हमने देखा जिस स्कूल में वो पढ़े, वो स्कूल का जाके जब उन्होंने मिट्टी को अपने माथे पे लगाया तो भावुक हो गए थे वो, यानी कि अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, हमारा लड़का वो ये बता एक एक जोड़े जड़ रहता है बढ़ता है, मैं भी मतलब पर इसके तो भाईचारा रखता था ना, वो सुख शांति से रहता था, अभी तो अटारे आवे ना तो मेरे को मम्मी कह के बुलाता जो है। अभी भी मोदी जी आते हैं आपको माँ कह के? अच्छा इसका स्वभाव ऐसा है, अभी तो इतना ऊंचा चढ़ गया तो भी
हमारे को कोई चीज इसके नहीं के नीचा से अपने आज लग गए, ये भी भावना न थी, स्वभाव बस। धन्यवाद जी। आपसे भी मैं पूछूंगा, आप उसी स्कूल में पढ़े, अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो स्कूल में जब वो गए तो जब उन्होंने मिट्टी लगाई, वो पूरी दुनिया में वो फोटो प्रचलित हुए, वो भावुक हो गए, भावुक हो गए। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी बोलता है, जानबूझ करके ये आंसू बहाते हैं फोटो के सामने, जो है फोटो खिंचाने के लिए, मीडिया के सामने फोटो खिंचाने के लिए आंसू बहाते हैं। वो तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो भावना है, वो जो करता है सब दिखते हैं, और वो उसको अमल में भी रखता है। ये वडनगर के लिए ये क्या बोलते हैं, हेरिटेज में ला गए, और इसके लिए उसके एक गांव में भी बदलाव अभी आने वाला है। यही बात है, देख रहे थे जब जैसे हम गांव की तरफ बढ़े, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम एक जो है तहसील में गांव में जा रहे हैं, यहाँ पर इतना विकास, इतनी चौड़ी रोडें, इतना रेलवे स्टेशन का इतना नवीनीकरण किया गया है, तो ये विकास कब से होना शुरू हुआ यहाँ? नहीं, वो ये जो इधर CM थे उसी टाइम से इधर थोड़ा 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 सा, अब ये जो गुजराती में कहवाते हैं कब भुआ दुनेगा ना, तो गांव के घर के पास ही श्रीफल डालेगा, ऐसी बात है, बरोबर ऐसा है। चलिए धन्यवाद। और आखिर एक सवाल, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को देख के, इस बार यहाँ क्या किसकी सरकार बनेगी? वो तो भाजपा की ही बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। बहुत चलिए देखिए, यही वो घर है, और इसी घर के साथ जो उनके स्कूल में उनके सहपाठी पढ़ते थे, उनसे चार कक्षा नीचे, उनसे हमने बात की, और बात करते करते वो भावुक हो गए। यकीनन वो पल जो है इनको याद आए होंगे जब स्कूल में वो पढ़ते थे, उनके साथ हंसते खेलते थे, और उनकी इनकी माता जी से भी हमने बात की, 93 वर्षीय जो माता जी हैं, उन्होंने भी बताया कि आज भी मोदी जी जब यहाँ आते हैं तो मुझे माँ कह के ही पुकारते हैं, और अच्छा लगता है, अपने बेटे के समान उन्होंने उनको माना है, कि जब अपने बेटे को पूरी दुनिया में इस तरह परचम लहराते हुए देखते हैं।